चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाधियामी चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाधि। सबको सप्रेम जय भीम और नमो बुद्धाय। सर्वांना जय भीम नमो बुद्धाय। समन संघ आणि वी द पीपल ही जी कन्सेप्ट आहे प्राचीन काळापासून, भगवान बुद्धाच्या प्राचीन काळापासून आपल्या देशामध्ये अस्तित्वात आहे। आणि भगवान बुद्धाचा जो काळ होता तेव्हा पूर्ण भारतामध्ये भगवान बुद्धांनी प्रथमतः पाच श्रावणेर यांना सारनाथ येथे त्यांनी जो संदेश दिला आणि त्यापासून 100, 200, 500 आणि 1000 भिक्खू ह्या देशामध्ये निर्माण झाले आणि त्यांनी पूर्ण देशामध्ये भगवान बुद्धाची जी विचारधारा आहे, त्यांची जी कन्सेप्ट आहे, संघम शरणम गच्छामी, म्हणजे अशा प्रकारचा संघ निर्माण व्हायला पाहिजे ज्यामध्ये प्रज्ञाशील आणि करुणा आहे, अशा प्रकारे त्यांनी पूर्ण भारतामध्ये बौद्ध धर्माचा प्रचार आणि प्रसार केला आणि 1000 भिक्खू तयार झालेत। नालंदा, तक्षशिला असे कितीतरी विद्यापीठ अफगाणिस्तान असेल आणि बाहेरच्या देशामध्ये सुद्धा बौद्ध धर्माचा खूप झपाट्याने प्रचार झाला। आणि त्यानंतर आपल्या देशामध्ये सम्राट अशोकाचं असेल, कनिष्क असेल, कितीतरी राजे निर्माण झालेत आणि अशा प्रकारे त्यांनी बौद्ध धर्माचा प्रचार आणि प्रसार केला। आणि अशा प्रकारे जी समान संस्कृती या देशामध्ये रुजलेली होती, सर्व सुखी आणि समृद्ध लोक होते। आणि अशा प्रकारे सम्राट अशोकाने पूर्ण देशामध्ये 85,000 विहार निर्माण करून त्यांनी बौद्ध धर्माचा प्रचार आणि प्रसार केला। त्याचप्रमाणे आपली मुलगी संघमित्रा आणि महेंद्र यांना सिलोन मध्ये पाठवून बौद्ध धर्माचा प्रसार तिथे केला। अशा प्रकारे पूर्ण देशामध्ये एक बौद्ध धर्माचा जी काही आपल्याला म्हणता येईल बीजारोपण करण्यात आलं आणि त्यामुळे मला वाटते की पूर्ण देशामध्ये सुख आणि शांतीने लोक राहत होते। परंतु काही काळानंतर ह्या देशामध्ये एक अराजकता निर्माण झाली आणि त्यांनी 4 वर्ण सिस्टीम हे निर्माण करून या देशामध्ये जे काही शोषित समाज आहेत, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र अशा प्रकारे जी वर्णव्यवस्था निर्माण करून या देशामध्ये अराजकता निर्माण केली। भगवान बुद्धाच्या काळामध्ये कितीतरी ज्यांच्या समस्या आहेत त्यामध्ये गाथामध्ये म्हटलेलं आहे की नालागिरी गजवरम अतिमत्त भूतम दावग्गी चक्क मस सुधा, कितीतरी त्यांच्यावर आपत्ता आला तरी परंतु त्यांनी फार शांततेने त्यांना मुकाबला केला। कितीतरी मोठे मोठे राजे भगवान बुद्धाला नतमस्तक झाले आणि त्यांनी भगवान बुद्धाचा धम्म स्वीकारला, मग त्यात बिंबिसार असेल, कितीतरी राजे त्यांच्याकडे आले असतील तरी अजात शत्रू असेल त्याच्यावर त्यांनी मात केली आणि अशा प्रकारे भगवान बुद्धाचा धम्म या भारतामध्ये साता समुद्रापलीकडे गेला। आणि त्याचप्रमाणे फाईयान असेल, हुयन संघ असेल, असे जे चीनी प्रवासी आहेत या भारतामध्ये येऊन त्यांनी चीनमध्ये जाऊन त्याचा प्रचार आणि प्रसार केला। परंतु काही काळांतराने या देशामध्ये एक राजकता निर्माण करून एक पोल्युशन असं प्रदूषित वातावरण निर्माण केलं आणि इथली जी समान संस्कृती होती तिला नष्ट करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला। परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 14 ऑक्टोबर 1956 नागपूरच्या पवित्र दीक्षाभूमीवर भगवान बुद्धाचा जो पवित्र धम्म आहे तो लाखो लोकांसोबत स्वीकार केला चंद्रमणी महाथेरो यांच्या हस्ते आणि पूर्ण भारतामध्ये परत जो पवित्र भगवान बुद्धाचा धम्म होता त्याचं बीजारोपण करण्याचं काम डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलं। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी बौद्ध धर्म का स्वीकारला हा फार गहन प्रश्न आहे। कारण भगवान बाबासाहेब आंबेडकरांना लहानपणापासूनच एक अस्पृश्यतेचा चटका बसलेला होता। जेव्हा ते शाळेमध्ये जात होते त्यांना शाळेच्या बाहेर ठेवत होते, जेव्हा ते केस काटायला जात होते तर त्यांना केस काटण्यासाठी मनाई करत होते, जेव्हा ते बैलगाडीमध्ये आपल्या भावांसोबत प्रवास करत होते तेव्हा त्यांनी बैलगाडीवाल्यांना त्यांना गाडीमध्ये घेण्यास मनाई केली, तेव्हा बाबासाहेब म्हणतात की क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, व्हाई इट इज हॅपनिंग विथ मी,
मैं भी एक इंसान हूं, मुझे पानी पीने का कोई अधिकार नहीं, गाड़ी में बैठने का मुझे अधिकार नहीं, मैं भी ऑलवेज ही वॉज थिंकिंग, एक ऐसा एक प्रश्न चिन्ह उनके सामने रहता था। जब वो परदेश पे पढ़ाई करने के लिए गए, उनके साथ का एक ब्राह्मण मित्र था, वहां जा एक दोनों एक ही कमरे में बैठे थे तो उसकी चादर उन्होंने फेंक दिया। अरे हम बाहर देश में आए फिर भी आप अनटचेबिलिटी मेरे साथ करते हो। जब बाबा साहब पढ़ के अमेरिका से बाहर देश से इंडिया में आए तो भी उनके साथ बराबरी का व्यवहार नहीं किया गया। तो बाबा साहब कहते कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। जब वो बड़ौदा गए, सयाजीराव गायकवाड़ उन्होंने जो शिष्यवृत्ति दी थी उसको, वहां उनका जो काम करना था वहां चले गए एज ए सेक्रेटरी करके। वहां भी वहां के जो चपरासी है, जो प्यून है, उन्होंने उनकी जो फाइल है फेंक दी। और उनका सबसे पहले उनका जो कमरा है उन्होंने जो गाय का गोमूत्र होता है उसको फेंक दिया, और उनको पानी पीने के लिए दूध से फेंकते थे। तो बाबा साहब भाई इट इज मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं पढ़ा लिखा MA, MA, BS, MA, DSC, PhD बार एटला इतनी डिग्रियां लेकर आया हूँ, फिर भी इन लोगों की जो मानसिकता है बहुत ही दुखदायक है, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। एंड जब बाबा साहब रहने के लिए उनको मकान नहीं देते थे, जब बड़ौदा में गए तो उन्होंने उनका सामान फेंक दिया। यू आर बिलोंग टू लोअर स्टेट महार कम्युनिटी, बहुत अछूत जात के आप हो, इसलिए आप हमारे घर में नहीं रह सकते। बाबा साहब अपने माथे पर हाथ रखकर रोने लगे कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जो अभी गार्डन है बड़ौदा में वहां जाके रोने लगे, वो बोले कि मुझे, जिसको हम बाबा साहब कहते हैं कि मुझे मेरे लोगों के लिए कुछ करना पड़ेगा, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मेरी डिग्री है, मैं बैरिस्टर हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा बर्ताव होता है तो मेरे समाज के मेरे समाज के जो लोग हैं, जो अनपढ़ है, जो गांव में रहते हैं, देहात में रहते हैं, उनके साथ क्या होगा। देन आई हैव टू डू समथिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी ऑफ मेरे समाज को कुछ करना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने सोचा। फिर 21 साल उन्होंने पढ़ाई की। उन्होंने 13 अक्टूबर 1935 को एवले, जो नासिक जिले में महाराष्ट्र में, वहां एक परिषद को संबोधित करते हुए कहा, दो आई हैव बोर्न एज ए हिंदू बट आई विल नॉट डाई एज ए हिंदू, अगर मैं हिंदू करके जन्मा हूं लेकिन मैं हिंदू करके नहीं मरूंगा, ऐसी उन्होंने प्रतिज्ञा की। और वहां से उन्होंने अपनी मिशन की शुरुआत की। जब बाबा साहब महाड़ में गए और जो पानी पीने के लिए मनाई थी, तो वहां भी उन्होंने 1927 में महाड़ का सत्याग्रह किया। काड़ाराम मंदिर जो नासिक का है, वहां कुत्ते मतलब ऐसे भेड़े जो भी जाते हैं, कैट्स भी वो जो मंदिर में जाते, लेकिन इंसान को कोई वहां प्रवेश के लिए कोई मनाई थी, तो बाबा साहब सोचने लगे कि यहाँ कोई इंसानियत नहीं है, तो ऐसे धम्मों को मैं क्यों स्वीकारूं। कई उन्होंने प्रयास किए उन लोगों के साथ में रहने के लिए, तो उनको पॉलिटिक्स में भी ऐसा ही हुआ, बहुत सारे लोग उनके विरोध में गए, फिर भी बाबा साहब अकेले जस्ट लाइक ए लायन, और मतलब खंबीर रहे अपने तत्व के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ। और जब 1937 में उन्होंने विधानसभा बंबई में अपने साथियों को भगवान बुद्ध के प्रिंसिपल्स की बातें की और बोला कि संघ ही एक ऐसी शक्ति है जिसके वजह से हम सभी एक जुट सकते हैं और हम अपना जो भी राज्य है वो पादाक्रांत कर सकते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने 1937 में सोलापुर हो, पंढरपुर हो, अलग अलग जगह नागपुर में, पूरे महाराष्ट्र में विधानसभा की जो है सीटें उन्होंने काबिज की। और अपने बम्बई में विधानसभा में काफी लोग आउट ऑफ 2017 लोग वहां चुन के आए, ये बहुत ही बड़ी सबके लिए महत्व की बात है। तो ये जो समन संघ है हमारा, उसी तत्व पर, बाबा साहब के तत्व पर, महात्मा ज्योतिराव फुले की फिलॉसॉफी पर और कबीर की जो फिलॉसॉफी, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और हमारे समन संघ का एक ही उद्देश्य है, हमारी जो विरासत है, हमारा जो इतिहास है, और हमें उसको रिन्यू करना है और पुनर्जीवन करना है और सभी लोगों को इकट्ठा करना है। और हमें किसी से पैसा नहीं लेने हैं, कोई चंदा नहीं लेना है,
सभी साथ मिलकर हम काम करेंगे, अगर हमें खाना खाना है तो सभी मिलकर खाएंगे, प्रवास करने तो शेयर करेंगे, किसी से पैसा नहीं लेंगे, तो इस प्रकार सभी लोग यहाँ जुड़े, तो मुझे लगता है कि ये हमारा जो गया हुआ इतिहास हम और दोबारा ला सकते हैं। भारत में हम अभी देख रहे हैं कि जितने भी हमारे एजुकेशन के डोर्स है वो सभी क्लोज हुए हैं। राजकीय क्षेत्र में बहुत ही पोल्यूशन हो रहा है, सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत पोल्यूशन हुआ है। बाबा साहब ने 26 नवंबर को जो संविधान हमारे भारत को दिया है और सबको स्वतंत्रता न्याय और सभी क्षेत्र में मतलब अपॉर्चुनिटी दी है, और सबसे पहले उन्होंने ये सोचा कि अगर मेरे देश के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल ओबीसी लोग इकट्ठे होते हैं तो मेरा जो सपना है ये लोगों का इकट्ठे होने का अच्छा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारतीय संविधान में 340 कलम ओबीसी के लिए लिखा है, 341 शेड्यूल कास्ट के लिए लिखा है, 342 शेड्यूल ट्राइब के लिए लिखा है। बाबा साहब का उद्देश्य था ये सभी लोग अगर हम इकट्ठे होते हैं तो हमारी ताकत बहुत बड़ी हो सकती है, और उनका उद्देश्य यही था कि ये सभी लोग भगवान बुद्ध के प्रिंसिपल्स के साथ जुड़े तो इस देश में कोई भी हमारे ऊपर राज नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। बड़े दर्द के साथ, बड़े खेत के साथ कहना पड़ता है कि हम सभी जितने भी बाबा साहब और बुद्ध को मानने वाले लोग हैं उनके प्रिंसिपल्स के विरुद्ध हमने अपना बर्ताव किया है, और इसलिए हम अभी गुलाम बनने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये जो हमारा समन संघ एंड वी द पीपल, इनकी जो फिलोसॉफी है, जो प्रिंसिपल्स है, अगर इनको हम अपनाते हैं तो हो सकता है चाहे 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, लाखों के संख्या में अगर हम इसमें जुड़े तो हमारी ताकत बहुत बढ़ सकती है, और हो सकता है दिल्ली हमारे पास आएगी। ये हमारे स्ट्रांग बुद्ध के और फुले शाह अम्बेडकर के जो प्रिंसिपल्स है यही हमें बचा सकते हैं, तो हम आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएँ, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Yeah.
Singam Sarnam Gacchami.